हेलो, हम पढ़ेंगे आज कक्षा 8 का चैप्टर 4 है धातु ए धातु का पार्ट नंबर 5। तो पिछले दो भागों में हमने पढ़ा धातु ए धातु की रिएक्शन जो भौतिक गुणधर्म, 3 भागों में पढ़ा। पहले भाग में हमने दूसरे भाग था जो इस चैप्टर का, वह हमने पहले पढ़ा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, दूसरे में पढ़ा जल के साथ धातु ए धातु की अभिक्रिया, तीसरे में पढ़ा अम्ल और क्षार के साथ धातु धातु अभिक्रिया। तो हमने इन सब में देखा कि धातु अधिक्रियाशील है देन अधातु, यानी धातु अधातु की तुलना में अधिक्रियाशील है, तथा जो अधातु वो कम क्रियाशील है। जो अगला हमारा आगे आता है उसका एक अलग ही नाम होता है विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया कौन दर्शाएंगे? धातु है वो अधिक्रियाशील है, अधातु बहुत ही कम क्रियाशील है, बहुत ही कम अभिक्रिया दिखाते हैं, जो अभिक्रिया दिखाते हैं वो जटिल होती है। तो जो विस्थापन अभिक्रिया दिखाएंगे वो होंगे धातु, हमारे सिलेबस में धातु की विस्थापन अभिक्रिया है धातु की। तो पहले तो सिर्फ इसका एक इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या है कि विस्थापन अभिक्रिया, वे अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में क्या होता है, एक धातु दूसरे धातु को निकाल देता, अलग कर देता है। ए धातु आता है, मतलब मान लीजिए ए धातु है और ये बी धातु है जिसका कोई यौगिक है, मान लीजिए यौगिक है ये इसका, तो ए धातु क्या करता है, बी एक धातु है दोनों, ए क्या करता है इससे धक्का मुक्की करता है और बी को सी से दूर भेज देता है, यानी इसको सी से जो जुड़ाव था वो उसको बंध को तोड़ देता, विच्छेद कर देता और खुद आ जाता है और ए सी बन जाता और बी को कर देता है अलग। तो ऐसी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया, इसमें ए धातु बी को सी से अलग कर देता है और खुद आ जाता है सी के साथ और बी अलग हो जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया होगी विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया देखते हैं डेफिनेशन, वे अभिक्रियाएं जिनमें एक धातु दूसरी धातु के दूसरी धातु के विलयन से दूसरी धातु को क्या करती है, दूसरी धातु को करती है पृथक करती है। ऐसी रिएक्शन क्या होती है, ऐसी अभिक्रियाएँ क्या कहलाती हैं, विस्थापन अभिक्रियाएँ कहलाती हैं। ये एक जनरल परिभाषा है, मतलब बहुत ही सामान्य है, सबसे कम है, इसमें कोई खास बात नहीं। एक धातु दूसरे धातु, जैसे ए प्लस बी सी, ये इसका क्या है, बी का सॉल्यूशन है, ए धातु है तो क्या होता है, ए सी और बी अलग हो जाए, इस प्रकार ऐसी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन अब भी कुछ शर्त होती है कि अगर हम ए के स्थान पर बी, बी के स्थान पर ए, मतलब मान लीजिए एक स्थान पर हमने बी कर दिया और एक स्थान पर ये लिया, तो क्या अभिक्रिया होगी, ये उत्पाद बनेगा या नहीं बनेगा, बी सी और ए, ये दोनों अभिक्रियाएं जो एक दूसरे के विपरीत है, ये अभिक्रिया संभव है, तो वैज्ञानिकों ने देखा ये अभिक्रिया संभव नहीं है। अगर ये अभिक्रिया संभव है तो ऊपर वाली नहीं, इन दोनों अभिक्रिया में एक ही अभिक्रिया संभव है, तो धा वैज्ञानिक है थोड़े कन्फ्यूज हो गए। और बाद में एक नया शब्द आया जिसको विस्थापन अभिक्रिया में जोड़ा जाएगा बाद में, वो शब्द था हमारा अभिक्रियाशीलता, अभिक्रियाशीलता। अभिक्रियाशीलता का मतलब यही है कि किसी अन्य यौगिक, किसी अन्य धातु, किसी के साथ अभिक्रिया करने की जो क्षमता है, क्या है, अभिक्रिया करने की क्षमता, विक्रिया करने की क्षमता, अभिक्रियाशीलता हो गई। तो कुछ धातुओं के विक्रियाशीलता की क्षमता उच्च होती है जिन्हें कहते हैं हम अधिक विक्रियाशील धातु, और कुछ धातु ऐसे हैं जिनकी विक्रियाशीलता क्या होती है, कम होती है, अधिक क्रियाशील
सिल धातु, और दूसरे होते हैं कम क्रियाशील धातु या अभिक्रियाशील कह सकते हैं। ये दोष आ गए, कम क्षमता, तो उन्होंने वैज्ञानिकों ने विक्रिया करने की क्षमता यानी विक्रियाशीलता के आधार पर उनका क्या लिखा, क्रम लिखा धातुओं का, मतलब ऐसे लिखा ए बी सी डी, ऐसे एक क्रम तैयार किया कि इसकी विक्रियाशीलता इससे मतलब डी की विक्रियाशीलता सी से कम है, सी की बी से कम है और बी की ए से कम है, यानी ए की ज़्यादा है और डी की कम। तो इस प्रकार विक्रियाशीलता का क्रम लिखा और बताया कि जो अधिक विक्रियाशील धातु है वही क्या करेगा, हटा सकता है, हटाएगा। अधिक क्रियाशील ही धातु ही क्या है, अन्य धातु को हटा सकता है। कम क्रियाशील धातु क्या है, हटेगा, हटेगा कौन सा, कम विक्रियाशील धातु। मान लीजिए ये ए है जो अधिक विक्रियाशील है, ज्यादा विक्रियाशील है, बी कम विक्रियाशील है, तो क्या है, ज्यादा विक्रियाशील तो हटाने वाला हो गया और कम विक्रियाशील हटने वाला, तो ज्यादा है जो अधिक क्रिया कर सकता है तेजी से, वो क्या करेगा, इससे तेजी से क्रिया करेगा और सी के साथ यौगिक बना लेगा, यानी अधिक विक्रियाशील धातु कम विक्रियाशील धातु को विस्थापित करेगा। लेकिन इसमें क्या है, कम विक्रियाशील धातु है और ये क्या है, अधिक विक्रियाशील, तो इसका मतलब है कि इस डेफिनेशन में एक परिवर्तन किया, वो देखते हैं विक्रियाशीलता शब्द लेकर, तो वो हम अब जोड़ेंगे इसमें विक्रिया में। विक्रियाशीलता वे विक्रिया जिसमें क्या है, अधिक विक्रियाशील धातु, क्या है, अधिक विक्रियाशील धातु, अधिक विक्रियाशील धातु क्या है, ए लिखा हमने इसको सिंपल, ए क्या है, कम विक्रियाशील धातु सील धातु के विलयन से धातु को क्या कर सकता है, को पृथक करता कर सकता है, करता है, करता है, पृथक। एक अधिक विक्रियाशील धातु कम विक्रियाशील धातु के विलयन से कम विक्रियाशील, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कम विक्रियाशील धातु सील धातु को पृथक करता है, ऐसी विक्रिया ही होती है विस्थापन विक्रिया। कम विक्रियाशील धातु को बी से व्यक्त किया, ए है जो धातु है, बी सी क्या हो गया, कम विक्रियाशील धातु का विस्थापन विलीन हो गया, और अब इसे अलग करेगा तो क्या मुझे ए सी और बी अलग हो जाएगा, तो ऐसी विक्रिया विस्थापन विक्रिया होती है। एक बार फिर देख लें, वे विक्रिया जिसमें एक अधिक विक्रियाशील धातु कम विक्रियाशील धातु के विलयन से कम विक्रियाशील धातु को पृथक कर देता है, ऐसी विक्रिया विस्थापन विक्रिया कहलाती है। ये हो गया हमारा। अब आता है आगे इसके एग्जाम्पल उदाहरण, तो उदाहरण पर जाने से पहले हमारे पाठ्यपुस्तक में एक क्रियाकलाप है जिसमें ये उदाहरण स्पष्ट किए गए हैं कौन सी, तो वही से उठाते हैं कि हमारे पास पांच बीकर है ए बी सी डी और ई, पांचों विक्रिया हैं और उन्हें विस्थापन विक्रिया की तरह प्रदर्शित किया है, जिस अभिक्रिया लिखी है सब समीकरण और सूत्र, तो अब हमें क्या करना है, उनको बताना है कि वो विस्थापन विक्रिया है या नहीं है, और उन धातुओं की अभिक्रियाशीलता का क्रम भी लिखना है, अंतिम प्रश्न यही है। तो बच्चों के ये भी दिक्कत होगी जो शुरू करते हैं, तो पहली चीज, पहला जो बिकर है हमने लिया है, तीन बिकर है हमने अभी तक, पहला बिकर लिया है, तो पहले बिकर में क्या है, पहले बिकर में एक बिकर लिया हमने जो हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया है, ए बिकर है एक बर्तन पात्र है, और इसमें एक सॉल्यूशन है किसका, वो आपको बताते हैं अभी, ये हमारा सॉल्यूशन होगा और इसका रंग है जो दिख रहा है पाठ्य पुस्तक में नीला रंग है, और इसका नाम है वो है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का क्या है, एक क्वेश्चन, यानी जलीय विलयन है ये,
और ये बिकर ले लिया है, और कुछ क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, एक छड़ डालते हैं इसमें, क्या करते हैं, एक छड़ डालते हैं कि इसकी जड़ यानी जिंक की छड़ इसमें डालते हैं। और ये कॉपर सल्फेट का विलीन है जो नीला रंग का होता है, इसका फॉर्मूला कॉपर सल्फेट CuSO4 कॉपर सल्फेट जो नीले रंग का होता है। अब कुछ देर हम इंतजार करते हैं और जो विक्रिया है उसको हम क्या लिख सकते हैं, विक्रिया को इंग्लिश में रिएक्शन लिखते हैं, इसे RX से भी लिखा जाता है उच्च कक्षा में, देखेंगे। तो रिएक्शन लिखेंगे इस प्रकार, विक्रिया, तो क्या हो रही है, अब यहाँ रिएक्शन हो रही है विक्रिया, तो कुछ समय बाद क्या होता है, ये बिकर किस प्रकार, ये बिकर है, इसमें एक सॉल्यूशन रहेगा, लेकिन आपकी पाठ्य पुस्तक में आप देखेंगे ये बिकर का सॉल्यूशन का जो रंग है वो गायब हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा, और यहाँ पर एक चूर्ण प्राप्त होगा, हमें यहाँ पर एक चूर्ण प्राप्त होगा जो कैसा होगा, लाल चूर्ण। अब यानिकों ने इसका विश्लेषण किया, बताया कि जो सॉल्यूशन अब बन रहा है वो है जिंक सल्फेट का, जिंक सल्फेट जिसका सूत्र है ZnSO4, जिंक सल्फेट जो रंगहीन होता है। अब जो लाल रंग का चूर्ण है वो है कॉपर, क्या है, कॉपर धातु Cu। तो अब विक्रिया की क्या लिखते हैं, शब्द समीकरण, शब्द समीकरण और सूत्र समीकरण लिखेंगे और बताएंगे कि विक्रिया विस्थापन विक्रिया है तो क्यों है। ये क्रियाकलाप है जो घटित हो गया, हमें पता चल गया ये रिएक्शन संभव है। अब अगला क्या है, इसको शब्द समीकरण लिखते हैं तो कॉपर सल्फेट जिसका रंग कैसा है, नीला लिख देते हैं, ब्रैकेट में अच्छा लगेगा, और प्लस लिख देते हैं ऊपर शब्द समीकरण। अब कॉपर सल्फेट है ये लिखा, अब हमने इसमें किसकी छट डाली, जिंक की, तो यहां लिख देंगे जिंक। और बाद में रिएक्शन हुई विक्रिया के फलस्वरूप जो यौगिक बना वो लिखेंगे, तो क्या बनता है विक्रिया के स्वरूप, जिंक सल्फेट। जिसका रंग है रंगहीन, कैसा है, रंगहीन, और प्लस क्या बनेगा, कॉपर, लाल चूर्ण के रूप में ये चीज बनती है। और ये तो हमने लिखी शब्द समीकरण के रूप में, अब सूत्र समीकरण के बारे में लिखेंगे, तो कैसे इस कॉपर सल्फेट को CuSO4 कैसा रंग है, नीला लिख दिया रंग। फिर हमने किसकी छट डाली, जर्डन जिंक की, और जिंक सल्फेट बनेगा ZnSO4, जो फॉर्मूला है वो लिखा, और रंग कैसा है, रंगहीन, और जो मना बाद में कॉपर मना Cu कॉपर, क्या मना, कॉपर Cu कॉपर लाल चूर्ण। ये विक्रिया होती है रिएक्शन, तो इसमें क्या है, ए धातु है, ए मान सकते, और ये बी धातु है, तो इसमें जिंक धातु कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से क्या करती है, अलग कर देती है कॉपर सल्फेट, ये इस पर अटैक करती है, मान लीजिए ये बताने के लिए, ये इस पर अटैक करती है और कॉपर को भगा देती है, क्या कर देती है, अलग, और क्या होती है, खुद जुड़ जाती है और कॉपर को क्या करती है, सल्फेट के साथ से अलग कर देती है। तो ये विक्रिया क्या है, एक धातु दूसरी धातु को उसके सॉल्यूशन से पृथक कर रही है, तो ये क्या होगी, विस्थापन विक्रिया, क्या है, विस्थापन विक्रिया को क्या लिखेंगे, रिएक्शन, विस्थापन विक्रिया हो गई। और अब देखेंगे जो सब देखा, कौन ये संभव है, ये विक्रिया संभव, तो संभव विस्थापन विक्रिया है, ये विस्थापन विक्रिया होता,
तो एक शब्द देखा था, अधिक विक्रियाशील धातु ही कम विक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकता है। तो इसमें इसे स्पष्ट होगा जिंक कॉपर से अधिक विक्रियाशील है, कॉपर से अधिक विक्रियाशील है कौन, जिंक। जिंक क्या है, ज्यादा विक्रियाशील, विक्रियाशील है, और ये कॉपर है वो क्या है, कम विक्रियाशील। ये देख लिया हमने, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप। और अब हमने लिखा है, इसको लिखते देते हैं, जिंक किससे है, कॉपर से अधिक विक्रियाशील। ये चीज विक्रियाशीलता का क्रम जो हमें याद रखना है, जिंक कॉपर से अधिक विक्रियाशील है और ये एक विस्थापन विक्रिया है। और बाद में जो प्रश्न हमसे पूछेगा जिंक कॉपर और आयरन इनके मध्य जो विक्रियाशीलता का क्रम वो लिखिए, तो वो भी हमें लिखना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा वास्तव में। अब ये हो गया हमारा सब कुछ, विस्थापन विक्रिया का उदाहरण है। इसमें आप सब समीकरण अलग लिखेंगे, जो ये समीकरण है इसमें ये पूरी है, इस पूरे डायग्राम को व्यक्त करती है, लाल चूर्ण है जो हमने लिखा है। तो ये तो हमारा हो गया बिकर ए का क्रियाकलाप, क्या है, बिकर ए का क्रियाकलाप हमारा संपन्न हुआ। अब है बिकर बी का क्रियाकलाप जो हमने किया और उसको महसूस, और एक ही चीज हमें मिली कि जिंक कॉपर से अधिक विक्रियाशील है, जिंक के पात्र में कॉपर का सॉल्यूशन नहीं लिख सकते, जिंक के पात्र में कॉपर का जो सॉल्यूशन है नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि जिंक है वो कॉपर से विक्रिया, कॉपर के सॉल्यूशन से विक्रिया करेगा और कॉपर को उससे अलग कर लेगा, धीरे धीरे वह पात्र संसारित होने लगेगा, नष्ट होने लगेगा, क्योंकि क्यों, क्योंकि वह किससे विक्रिया करने लगेगा, उस सॉल्यूशन से, और कॉपर अलग होने लगा जिससे वो बर्तन नष्ट हो सकता है। तो अब है बी नंबर बिकर, ये हमारा पात्र है बिकर, और उसमें जो सॉल्यूशन है जो आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देखेंगे वो है नीले रंग का, और नीले रंग से आप समझ गए हैं कि वो है कॉपर सल्फेट, क्या है, CuSO4, कॉपर सल्फेट का जलेबी। अब हमने पिछले भाग में क्या डाली थी, जडन की जिंक की, अब डालेंगे आयरन, आयरन अफी अनिल हुआ, इसकी क्या डालेंगे, छड़े, ये छड़ सॉल्यूशन डाले, और डालते ही क्या होगी, रिएक्शन होती है, क्रियाकलाप में रिएक्शन होती है ये बताया, और जो पत्र सॉल्यूशन है उसका क्या है, रंग चेंज हो जाता है, जो सॉल्यूशन है हमारा उसका रंग चेंज हो जाता है, और पाठ्य पुस्तक में इसका रंग हरा दिखाया गया है, और जो यह बताता है यहाँ पर एक बुरादा चूर्ण मिलेगा, और ये हरा रंग दिखाता है आयरन सल्फेट, यानी इसका फॉर्मूला FeSO4, कुछ नहीं करना है FeSO4, ये सब यही है SO4, SO4 इसके साथ वो धातु लगाती है, और ये जो लाल चूर्ण है वो तो आपको पता ही है, पिछले भाग में हमने बी बिकर में कॉपर का चूर्ण है जो क्या है, लाल है। तो ये विक्रिया होती है, ये वास्तव में घटित होती है, तो ये कैसी विक्रिया है, ये देखेंगे इसके सब समीकरण और शुद्ध समीकरण से स्पष्ट हो जाएगा कि एक धातु दूसरी धातु को विस्थापित कर रही है या नहीं कर रही। तो अब सब समीकरण लिखते हैं इसकी, इसमें क्या है, कॉपर सल्फेट और जो किसा है नीले रंग का, ये रंग लिख देंगे तो इससे क्या होगा, जो आपने डायग्राम दिया गया आपके पाठ्य उसकी हर चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, और अफी आयरन, आयरन लोहा, और ये विक्रिया होती है हमारी, विक्रिया का सिंबल थोड़ा बड़ा लिख देते हैं और नीचे लिख देते हैं, एक ही लाइन में लिखना है आपको, तो क्या मान्यता है, आयरन सल्फेट, और कैसा, कॉपर चूर्ण, कॉपर लाल चूर्ण, कॉपर लाल चूर्ण,
और इसको लिखते हैं सूत्र समीकरण के माध्यम से, कॉपर सल्फर सूत्र CSO4 और इसका रंग नीला और प्लस एफी रिएक्शन होती है FeSO4, सॉरी यहाँ पर इसका ब्रैकेट में हरा रंग लिख देंगे, हरा रंग और कॉपर जो क्या है लाल जो, तो ये लिख दिया। और इस अभिक्रिया में क्या है, एक धातु एक दूसरी धातु कॉपर है, ए एफी को ए माना बी इसको, तो एफी क्या करती है कॉपर पर अटैक करती है और कॉपर को क्या कर देती है अलग, अलग करने का अर्थ है पृथक कर देती है, यानी एक धातु दूसरी धातु को पृथक करती है, तो यह अभिक्रिया कैसी होगी, विस्थापन अभिक्रिया होगी। और कॉपर एफी स्वयं इस यौगिक के साथ, इस कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया करके FeSO4 बना देती है, तो ये अभिक्रिया एक प्रकार की क्या है हमारी, जो स्पष्ट होता है कॉपर सल्फेट एफी से अधिक अभिक्रिया से। अब आता है अभिक्रियाशीलता का, अधिक अभिक्रियाशीलता कौन होगी, जो पृथक कर रही है, किसने किया अपनी, ये क्या है अधिक अभिक्रियाशील, क्या कह सकते हैं ज्यादा अभिक्रियाशील, ये कॉपर है वो क्या है कम अभिक्रियाशील, किससे एफी से कम अभिक्रियाशील। तो अब इससे क्या होगा हमें एफी इस कॉपर, एफी कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील, ये दो हमें पता चला। और ये जो हमने अभिक्रिया व्यक्त की है लिखी है, ये अभिक्रिया आपकी पाठ्यपुस्तक में पूछी गई है कि ये सेकंड बिकर वाली अभिक्रिया को लिखिए, तो ये जो शब्द समीकरण हो गई, ये हमारी सूत्र समीकरण हो गई, और ये हमने इसका जो डायग्राम माध्यम किया ये है, एफी कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, लोहे के पात्र में हम क्या नहीं डालेंगे, किसको नहीं डालेंगे एफी को, लोहे के पात्र, लोहे के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन नहीं रख सकते, क्योंकि जो एफी है वो कॉपर सल्फेट के विलयन से अभिक्रिया करेगा और कॉपर को विस्थापित कर देगा, जिससे वो जो पात्र हमने लिया है वो संसारित होने लगेगा अर्थात नष्ट होने लगेगा, ये बात है, यानी अभिक्रिया कर लेगा वह उसके साथ, ये चीज है, इसलिए उसके पात्र में नहीं रख सकते अगर वह विस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है तो, या वह धातु जिसका पात्र वैधिक अभिक्रियाशील है तो उसको विलीन में उसको पात्र उसके पात्र में हम नहीं रख सकते। अब तीन नंबर जो बिकर दिया है हमारा सी नंबर, ये इसमें जो सॉल्यूशन है वो है रंगहीन, तो रंगहीन तो स्पष्ट गए हो गए हमने पहले ही डायग्राम में देखा, रंगहीन जो सॉल्यूशन है वो जिंक सल्फेट का ZnSO4। अब इसमें जो छड़ डाली हमने वो है कॉपर की, किसकी कॉपर की, यानी Co, कुछ देर वेट करते हैं रिएक्शन, कुछ वेट किया और क्या प्राप्त हुआ, कुछ देर बाद में जो चीज वो ये प्राप्त हुई रंगहीन, और वो छड़ की जो छड़ है वो छड़ की छड़ जैसी छड़ थी कॉपर की वैसी, ये कॉपर की छड़ प्राप्त होगी रंगीन ZnSO4 है, मतलब इसमें कोई क्या नहीं आता, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं आता, चेंज कोई परिवर्तन नहीं आता, परिवर्तन नहीं आता यानी अभिक्रिया नहीं आती होती, क्या कह सकते नो रिएक्शन, अभिक्रिया होती ही नहीं है, ये क्यों नहीं होती। अब इसको एक शब्द समीकरण के रूप में लिख सकते हैं और जो फॉर्मूला समीकरण है सूत्र समीकरण, सूत्र समीकरण से हम लिखते हैं ZnO4 रंग जो रंगहीन है प्लस कॉपर, आगे होगा या नहीं। अब इस समीकरण से क्या है, हमें जिंक और कॉपर में विक्रियाशीलता का क्रम क्या है, Zn कॉपर से अधिक विक्रियाशील है, तो ये रिएक्शन क्या होगी, नहीं होगी, क्योंकि जिंक कॉपर से अधिक विक्रियाशील है, कम विक्रियाशील धातु कभी भी अधिक विक्रियाशील धातु को उसके विलयन से प्रतिस्थापित नहीं कर सकता, यानी ये जो कॉपर है वो क्या है कम विक्रियाशील है, कॉपर
जिंक से कम विक्रियाशील होने के कारण कॉपर जिंक को उसके विलयन से पृथक नहीं कर सकता, इसलिए जो यह विक्रिया बिकर सी की विक्रिया संपन्न नहीं होगी और यह विक्रिया स्थापन विक्रिया का भी उदाहरण नहीं है। यही प्रश्न उस बच्ची ने पूछा जो आपके साथ जुड़ी हुई है पिछली कक्षाओं से, तो उसके ये समझ में नहीं आया ये स्थापन विक्रिया क्यों नहीं है। इसमें भी एक सॉल्यूशन है और दूसरा धातु है, तो इसका एक ही कारण है कि कॉपर जिंक से कम विक्रियाशील है और कम विक्रियाशील धातु अधिक विक्रियाशील धातु को उसके विलयन से पृथक नहीं कर सकती, इसलिए ये विक्रिया संभव नहीं होती। तो इससे क्या स्पष्ट होता है, कॉपर जो ये जो हमने देखा वो ही स्पष्ट है कि जिंक अधिक विक्रियाशील है कॉपर से, ये चीज। अब बी नंबर बिकर वाले विक्रिया नहीं होती, उसका रंग चेंज नहीं होता, वो यहां से स्पष्ट हो गई। अब डी नंबर की विक्रिया और वो देखते हैं। डी नंबर की विक्रिया बिकर की, एक पात्र जो हमने लिया है, एक पात्र जिसमें क्या है हरा सॉल्यूशन, हरे रंग का सॉल्यूशन, और ये जो सॉल्यूशन है वो क्या कौन सा है, FeSO4 यानी आयरन सल्फेट। इसमें हमने किसकी धातु डाली है, कॉपर की, क्या है कॉपर की धातु छड़ है। तो कुछ देर बाद वेट करते हैं तो क्या आता है, नो चेंज, नो रिएक्शन, विक्रिया नहीं होती। तो वही सूत्र समीकरण लिखते हैं, FeSO4 प्लस कॉपर CO, हरा लिख देते हैं कोई दिक्कत, और क्या आता है, नो चेंज, नो रिएक्शन, विक्रिया नहीं होती। क्यों, अब ये क्या है, ये क्या? इससे क्या स्पष्ट होता है कि अफी कॉपर से अधिक विक्रियाशील है, कॉपर अफी से कम विक्रियाशील होने के कारण कॉपर अफी के सॉल्यूशन से अफी को पृथक नहीं कर सकता, अर्थात कम विक्रियाशील धातु अधिक विक्रियाशील धातु को स्थापित नहीं कर सकता। ये क्या है, कम विक्रियाशील है अभिक्रियाशील, तो यही कारण है कम विक्रियाशील धातु, तो ये भी विस्थापन विक्रिया का क्या नहीं है, उदाहरण नहीं है। अब डी नंबर भी हमारा उदाहरण नहीं है क्योंकि कम विक्रियाशील है कॉपर अफी से। अभी तक हमारी तीसरी चीज स्पष्ट नहीं, तीसरा पात्र है पांच नंबर पात्र ई बिकर, इसमें भी एक रंगहीन सॉल्यूशन है, तो आप समझ गएंगे रंगहीन सॉल्यूशन कौन सा है, जिंक सल्फेट का ZSNO4, और इसमें जो डाली है हमने अफी की छड़ डाली है, और वेट करते हैं तो क्या आता है, नो रेंज, कोई भी कोई चेंज नहीं होता। तो इसको सूत्र समीकरण से लिखते हैं अफी, क्या लिखते हैं, ZNSO4 प्लस अफी, और नो रिएक्शन, तो इसे स्पष्ट होता है कि ये क्या होगा, कम विक्रियाशील, ये क्या होगा, ज्यादा विक्रियाशील। तो अफी जिंक से कम विक्रियाशील होने के कारण अफी जिंक सल्फेट से जिंक को पृथक नहीं कर सकती, तो ये हुए। अब उल्टा करें, यहां पर हम जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन न लेकर क्या लेंगे, FeSO4 का सॉल्यूशन, और यहां पर ZN का सॉल्यूशन ले, तो क्या ऐसी विक्रिया होगी, विक्रिया होगी जो हम लिख देते हैं, क्या होगी, रिएक्शन होगी, क्या होगी, FeSO4 प्लस ZN, क्या बन जाएगा, ZSNO4 प्लस Fe, ये कैसा है, हरा, और ये रंगीन हो जाएगा, क्योंकि जिंक क्या है, ज्यादा विक्रियाशील है और Fe क्या है, कम, तो ये क्या है, विस्थापन विक्रिया उदाहरण। तो अब इससे क्या स्पष्ट होता है, जिंक ZN Fe, अब इन तीनों समीकरण जो लिखी है हम एक बार फिर लिख देता हूं, ZN CU, ZN Fe CU और ZN Fe, इन दोनों विक्रिया समीकरण से स्पष्ट होता है कि जिंक कॉपर और Fe दोनों से विक्रियाशील है, तो एक नंबर पर कौन आएगा, जिंक आएगा, दो तीन। अब जिंक और Fe में कौन विक्रियाशील है, कॉपर और
अफी में, तो अफी है तो दो नंबर पर क्या आएगा, अफी आएगा, तीन नंबर पर सी यू आएगा, जड अफी सी यू। को अधिक विक्रियाशील कम कम, तो हाँ देखिए एक बार फिर देखिए कि तीन विक्रिया जो हमने छह की उसमें एक पता चला जड हन है वो कॉपर से क्या है अधिक विक्रियाशील, अफी है वो भी क्या है कॉपर से अधिक विक्रियाशील है, जड हन है वो अफी से अधिक विक्रियाशील। तो इन दोनों विक्रिया से स्पष्ट होता है कि जो जिंक है वह कॉपर से भी अधिक्रियाशील है और अफी से भी अधिक्रियाशील है। तो जो एक नंबर पर सबसे अधिक विक्रियाशील कौन है इन तीनों में, वो होगा जिंक। अब बात आती दो ही रही है कॉपर और अफी में, कॉपर अफी में अधिक विक्रियाशील कौन है, इससे स्पष्ट होता है कि अफी है। तो दो नंबर पर कौन आएगा अफी, और तीन नंबर पर कौन आएगा कॉपर, या कॉपर दो में नीचे है कम, तो ये क्रम हो गया। अब क्या क्रम आ गया, जिंक अधिक विक्रियाशील अफी सी। कॉपर सल्फेट को कॉपर सल्फेट से कॉपर को अलग अफी और जिंक दोनों ही अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन अफी से अफी एसओ फोर यानी अफी एसओ फोर यानी आयरन सल्फेट से केवल आयरन को पृथक करने के लिए हमें जिंक धातु का उपयोग करना पड़ेगा, कॉपर धातु आयरन सल्फेट से अफी को पृथक नहीं कर सकती। अब जिंक सल्फेट है उससे उसको उससे जिंक को प्राप्त करने के लिए अफी भी क्या है अनुपयुक्त है, अफी का भी उपयोग नहीं कर सकता और हम कॉपर का भी उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों कम विक्रियाशील। तो विक्रियाशीलता का क्रम बताता है कि कौन सी धातु है किस धातु को प्रतिस्थापित कर सकती है, नहीं ऐसा क्रम है, ये दोनों धातु से पृथक हो सकती है। अफी सिर्फ जिंक से प्रतिस्थापित होगी, जिंक इन दोनों में से किसी में नहीं होगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक है विस्थापन विक्रिया, ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट भाग में हम जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा अधातु धातु के उपयोग, जो दैनिक जीवन में हमारे क्या उपयोग है, और आपको इससे टॉपिक विस्थापन विक्रिया में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। धन्यवाद।